कुंडली देख के बताया जा सकता है कि माता पिता के जीवन में बच्चों के सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी बुढ़ापे में, क्योंकि बस एक ही वो चीज मांगते हैं बच्चों से, और तो बदले में माँ बाप कुछ भी नहीं चाहते बच्चों से। बेटा ये पता नहीं है आज तक कि कुदरत मेहरबान होती है या कुदरत निर्दयी होती है, इसका फैसला तो आज तक नहीं हुआ। क्योंकि हमारे को दुख हो तो हम उसी दाते से मांगते कि हमें सुख दे, और हमारे पास सुख हो तो वही दाता जिसके कहे बिना एक धरती पे पत्ता भी नहीं हिल सकता, वही इतने बड़े दुख हमारे जीवन में क्यों खड़े कर देता, हमें वो भी नहीं पता चलता। ठीक है, अब बात क्या है, सब कुछ उस वक्त डिसाइड हो जाता है जिस वक्त इंसान धरती पे पैदा होता है, उसी वक्त सब कुछ लिखा जाता है। और उस वक्त अगर ये लिखा गया कि जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर अगर आपस में दुश्मन ग्रह बैठ के और केतु की दृष्टि आ गई, तो ऐसे इंसान का, मान लो दो मित्र ग्रह बहुत ही शुभ हो, बृहस्पति मंगल, ठीक है, उनके साथ में राहु बैठे यानी कि केतु अष्टम भाव में बैठ गया, ऐसे इंसान के जीवन के अंदर बेटा अपने आप ही दुख छलकते हैं। पूरी ज़िंदगी कमाता है, कमा करके घर वालों को खिलाता है, बार बार पैसा खराब भी होता है लेकिन फिर इकट्ठा करके अपने परिवार को देता है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि जब उसका बुढ़ापा आने लगता है, वो हो सकता है कि वृद्ध आश्रम में ही मिले, वहाँ पर खराबी के हालात ऐसे उत्पन्न होते हैं कि उस इंसान की बात किसी को पसंद ही नहीं आती, जबकि शायद वो इतनी ज़्यादा बुराई के ऊपर टोका टाकी ना करता हो जितने कि दूसरे लोग कर देते हैं, लेकिन सजा उसको ज़रूर भुगतनी पड़ती है अपने बुढ़ापे की, ख़ासतौर पर 52 साल की उम्र के बाद। और ऐसे इंसान की आप देखिए कि उन लोगों को बुढ़ापे के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिलने के योग होते हैं अपनी औलाद के हाथों से, जिनकी कमर या पाँव के अंदर दिक्कत होती है या कान में दिक्कत, क्योंकि ये जो योग है ये केतु की बहुत ही ज़्यादा ख़राब पोजिशनिंग के कारण। और केतु जब खराब होकर के बाकी के ग्रहों के ऊपर, दूसरे किसी ग्रहों के ऊपर जब अपनी दृष्टि डालता है, तो तब बेहद खराब हालात उत्पन्न होते हैं और बुढ़ापे के अंदर सही मायने में बच्चों के सुखों के लिए कोई बड़ी खराबी निकलती है। तो इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ हरिंदर कौर जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए और फिर सवाल आप पूछ सकते हैं। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था जी। 3 अगस्त 1979। टाइम भी बता दीजिए फिर आप। 1:55 AM। और जन्म का स्थान चंडीगढ़ है, पटियाला। ये पूछना चाहती हूँ कि उसका करियर आगे कैसा होगा। 2012 से लेकर के 19 तक का जो समय है ये तो शायद बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते, और इसके अंदर स्पेशली तौर पे अगर मकान बनाया गया हो, रिपेयर करवाई गई हो, या घर के अंदर किसी तरह का बॉनफायर वगैरह हुआ हो, कोयले की या भट्टी वगैरह चलाई हो, तो ये इमीडिएटली जाके मामले ख़राब कर देता है और घर की सुख शांति को भी ख़राब करता है। फिर दवाइयों का दौर भी लेके आता है, और कहीं एक सीम तक थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो कोर्ट कचहरी भी करवाता है। लेकिन 2019 मई जून के बाद का जो समय है वो इसके लिए काफ़ी अच्छा है, जो इसको ज़िंदगी के अंदर तरक्की देगा, लेकिन शर्त एक है कि 48 साल की उम्र से पहले मकान ना बनाए और ना रिपेयर करें, उसके बाद का जीवन इसका हर तरह से अच्छा। अब इसकी कुंडली काफ़ी हद तक अच्छा फल दे रही है, क्योंकि चंद्र छठे में शुक्र दूसरे घर के अंदर, लग्न के अंदर मंगल, लग्न के अंदर मंगल के लिए एक ही बात कही गई है कि जूं जूं पानी इसकी तरफ आए ये कागज़ की तरह गलता जाए, और जूं जूं ये पानी की तरफ जाए ये फलता जाए। इसको क्या कहते हैं कि अगर ऐसे इंसान को अपनों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की अगर आदत पड़ गई तो मामले बहुत ही ख़राब है, फिर तो ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं ज़्यादा हो सकता। लेकिन अगर अपनी
आजीविका के लिए, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए, स्वयं अपनी जिम्मेवारियां समझते हुए आगे बढ़ के हिम्मत करके अगर काम करने की आदत हुई तो इस इंसान से अच्छा और कोई नहीं होगा। यानी कि ऐसा इंसान जीवन में बहुत रखे। फिर केतु देव का 10वें घर के अंदर बैठना ये कह रहा है कि अगर घर में कुत्ता होगा तो 48 साल के बाद भी अगर कोई दुख लिखे तो वो भी मिटेगा, समझे। इसीलिए घर के अंदर कुत्ता पालना, वो भी एक रंग का पालना, बेहद जायज़। और अगर इसने शराब मांस का प्रयोग किया, अपने आलस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, घर के अंदर सीलन बहुत ज़्यादा हुई और तोड़ फोड़ बार बार चलती रही तो ज़िंदगी बर्बाद है बेटा, ख़राब है बिल्कुल। और अगर इन चीज़ों से बच के रहे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी, आबाद और सब कुछ उत्तम रहेगा इसका, ठीक है। इसके बाद इसलिए तो मैं डरने की जरूरत, एक ये, और दूसरी तीसरी बात, अगर इसने दूध या पानी का दान किया, सार्वजनिक रूप से कोई प्याऊ वगैरह लगवाया या कोई छबीले वगैरह बांटी तो बेटा इसके लिए बहुत मामले खराब होंगे। अगर इसने शमशान घाट में समय समय पे ये प्याऊ लगवाता रहा या किसी हॉस्पिटल में लगवा दिया तो बेटा इसके कामकाज के बहुत ही उत्तम हालात निकल के आएंगे, जो कि ज़िंदगी के अंदर काफ़ी अच्छा मालोमाल भी करेंगे। तो इन उपायों को करो और इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखो। तुम्हारे बच्चे की कुंडली अच्छी है जिसके अंदर की बहुत अच्छेपन उत्पन्न किया जा सकता है। गुरुदेव, बहुत सी बार ऐसा होता है और हमने देखा ही है, माँ बाप एक एक रुपया बचाकर बच्चे को विदेश भेजते हैं, लोन लेते हैं, अपने सर पर सरदर्दी लेते हैं, और होता क्या है कि बच्चे विदेश जाते ही माँ बाप को भूल जाते हैं या दूरियां बन जाती हैं अगर ना भी भूले, ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा इसलिए होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ उस वक्त में जो जन्म कुंडली का तीसरा घर है वो बेहद एक्टिव हो गया, जिसके कारण विदेश जाने का बच्चे का योग पहले से ही तैयार है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक योग बनता है कि अगर कोई भी दो दुश्मन ग्रह या तीन दुश्मन ग्रह आपस में मिलकर के धन भाव के अंदर बैठ जाए तो उस वक्त में इंसान को अपने परिवार के साथ मोह नहीं होता या दूसरा घर बिल्कुल ही खाली हो, उसके अंदर कोई ग्रह ना हो, तो उस वक्त में इंसान का मोह अपने पूरे परिवार के साथ ना हो करके जिस जीवन के अंदर वो जी रहा होता है उस जीवन से संबंधित जो लालच होते हैं उनके अंदर वो जाला टूट जाता है और मामला ख़राब हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को यहाँ तक भी देखा गया है बेटा कि वो अगर विदेश गए उसके बाद 5 साल 7 साल 10 साल तक उनका कोई अता पता ही नहीं, कभी फ़ोन तक नहीं उन्होंने घर पे किया, इस तरह के हालात भी ये उत्पन्न करता है। तो बेटा इन लोगों के लिए उपाय तो देना बनता ही। अब ऐसी अवस्था में क्योंकि वो पुत्र है जो गया है, उसको चाहिए अपना संबंध, यानी कि हमें वापस उसका कांटेक्ट मिले और वो हमारे सुख दुख का भागी बने, तो उसके लिए सबसे पहले केतु को अच्छा करें। उसको करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि तिल के तेल का दिया, ये जो सुबह सुबह का सवेर होती है यानी कि सूर्य उदय से पहले का जो भोर का समय होता है उस वक्त में जाकर के पीपल के नीचे हर रोज एक दिया जलाना तिल के तेल का, एक तो ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा उपाय इसके अंदर अगर हो सके बेटा कि कुत्ते को मीठी रोटियां डाल, कुत्ते को जितनी मीठी रोटियां आप डालते चले जाओगे थोड़े दिनों के अंदर अपने आप ये योग इस तरह का बनता है कि जिसके अंदर की बच्चे का अपने आप ध्यान आपके घर की तरफ भेजेगा। और तीसरा, अगर उसकी जन्म कुंडली आपके पास है तो तीसरे घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो उसकी वस्तुओं को लगातार मंदिर में देना शुरू कर दो, बच्चे का ध्यान आपकी तरफ अपने आप बनने लगेगा।